दुमका के सीधो कानू इंडोर स्टेडियम में पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के जिला स्तरीय पिछड़ा महासम्मेलन सह विचार गोष्ठी के दौरान आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद तलवार निकली, कुर्सियां तोड़ी गई। कार्यक्रम में पूर्व सांसद सूरज मंडल द्वारा आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद जमकर बवाल मचा। सूरज मंडल की टिप्पणी के बाद कार्यक्रम के दौरान ही आरजेडी के पूर्व विधायक संजय प्रसाद एवं उनके समर्थकों ने हंगामा किया। आरजेडी समर्थक सूरज मंडल को बीजेपी का एक एजेंट बताने के साथ उन्हें मारने उठ गया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे के दौरान पोडियम सहित कुर्सियां तोड़ी गयी। एक समर्थक तलवार निकालकर कुछ देर तक लहराता रहा। बाद में सूरज मंडल ने माफी मांगने और कार्यक्रम से चले जाने के बाद हंगामा शांत हुआ। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। बता दें कि दुमका के इंडोर स्टेडियम में आरक्षण की मांग लेकर पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के द्वारा पिछड़ा महासम्मेलन सह विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें पिछड़े वर्ग के हजारों कार्यकर्ता सहित कई बड़े नेता सम्मेलन में झारखंड सरकार से पिछड़ों का आरक्षण देने की मांग को लेकर एक मंच में विभिन्न पार्टियों के नेता एकजुट हुए। लेकिन इस बीच जब बीजेपी के नेता सूरज मंडल द्वारा भाषण के दौरान सीएम हेमंत सोरेन और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर असंसदीय भाषा की बात करते हुए भाषण दे रहे थे, तभी आरजेडी के पूर्व विधायक संजय यादव और आरजेडी के कार्यकर्ता इसका विरोध जताते हुए सम्मेलन के दौरान सम्मेलन को रण क्षेत्र में बदल दिए, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल सूरज मंडल ने झारखंड के मुख्यमंत्री सहित सब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर दोहा पढ़ते हुए संबोधन किया तो आरजेडी के नेता वहां से बाहर चले गए और फिर वापस आते हुए पोडियम और कुर्सी टेबल को पटकते हुए सम्मेलन को बंद कर दिया। साथ ही सूरज मंडल को माफी मांगने के लिए कहा। काफी मनोबल के बाद सूरज मंडल के द्वारा क्षमा मांगी गई, फिर माहौल शांत हुआ। आरजेडी पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी के एजेंट के रूप में सूरज मंडल काम किया है, पिछड़ों की मांग के मुद्दे को भटकाकर रणनीति की गई है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। दुमका से अगस्टीन हेम्ब्रम की रिपोर्ट। लालू यादव क्या नारा दिया था, झारखंड होगा मेरे महासभा, तो मैंने क्या कहा था आपको याद है? आप सबको नहीं याद है? मैंने ये कहा था इंदिरा मणि निवास में, राजीव मरा मद्रास में, संजय मरा आकाश में, लालू मरेगा चास में, झारखंड होगा उसके लाश में। लाश मैं नहीं कहता, लेकिन पॉलिटिकल लाश तो उसका निकल गया है। हम बोले लालू यादव की गज दे दो, गज दे दो, और नहीं तो थान चला जाएगा। गया है थान, हमने इसका टोपी, उसका माथा, इसका माथा, उसका टोपी, सारे लोगों ने कहा कि लालू यादव को मत बनाओ। मैंने किसी का बात नहीं माना था। मैंने कहा तो ये पिछड़ा वर्ग है, इसके पीछे जो क्यों लगा हुआ है। और सबसे आगे जाकर के रात को जब मेरे घर में आया तो भी से मेरे का समर्थन मैं वहीं पर लिख करके दे दिया। नहीं, नीतीश कुमार है ना, खुश आदमी, उसके साथ अभी है, बोलता है नीतीश कुमार के आदर्शों पर हम चलेंगे, ये दुर्पयोग बच्चा कर होगा। लेकिन नीतीश कुमार क्या है सोच के रख लीजिए कि जब हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बिहार भवन झारखंड को दे दिया जाए और वो झारखंड तो नहीं देखे, सुप्रीम कोर्ट चला गया एक मकान के लिए, तो उस आदमी के साथ में दोस्ती किया जा सकता है क्या? है इसलिए हम बोलते हैं भैया बिहारी लीडर से हाथ जोड़ लेना, पानी पिला देना, चाय पिला देना, नाश्ता करा देना, लेकिन उसके साथ राजनीति मत करना। कभी बिहारी लीडर को जो हमारे राज के अंदर में
मंत्रिमंडल मंडल बीजेपी का एजेंट है, ये ओबीसी का लीडर नहीं हो सकता। लीडर अगर कोई है तो बीपी मंडल है, इंदिरा अम्बेडकर साहब है जो हमारा संविधान रहा। और आज के डेट में इस देश का अगर नेता ओबीसी का सबसे बड़ा कोई है तो हमारा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, नीतीश जी है, दूसरा कोई नेता नहीं हो सकता है ओबीसी का लड़ाई लड़ने वाला। ओबीसी का ये मंच में इस तरह की जो बातें आई है इसमें आप क्या कहेंगे? मैं घोर विरोध करता हूँ। यही लोग ओबीसी को आरक्षण कभी नहीं लेने देगा, ये लोग बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। कुछ नहीं होगा। पिछड़ों की लड़ाई किस तरह से लड़ेगी? जी लड़ेंगे, पिछड़ों की लड़ाई जारी रहेगी। उसके वो दस आदमी बोलने से थोड़ी कुछ बंद होने वाला। एक मंच में होगा फिर सारे लोग, एक मंच में इन लोगों को बात करके करेंगे। जो विरोध कर रहे हैं उनका कहना है कि आपने झारखंड के मुख्यमंत्री पर भी अभद्र किया, वो उप मुख्यमंत्री अभद्र के लायक है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।